चन्नू प्रिया, दर्शकों जय माता दी, नमस्कार। कुछ बातें जीवन की कभी नहीं भूलती, वो कभी कुछ भूल जाती हैं। आम परिवार में जन्म लिया, छोटे से गांव में रहा बड़ा, पर गुरु कृपा, गुरु जी का प्यार, उनका स्नेह, जो भी उनके साथ जुड़े उनकी कृपा से मेरे साथ जुड़े, गृहस्थी में रह करके भक्ति में चले गए। उन्होंने भक्ति से पहले अच्छा इंसान बनने को कहा और किसी को कभी धर्म बदलने को नहीं कहा, किसी धर्म को छोटा नहीं माना, किसी इंसान को छोटा नहीं माना। मेरा जीवन बस उन्हीं के चरणों की बदौलत है, वो मेरी कमियां मेरी अपनी हैं। कहीं कोई व्यक्ति गुरु के पास गया कि मुझे साधु होना, बोले नहीं, तू बहुत बड़ा हकीम बन सकता है, वैद्य बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, तू लोगों का भला कर। गुरु पहचानता है आपकी प्रतिभा को, आप कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ आपकी सीमा हो सकती है, और तंत्र उस सीमा को बढ़ाता जाता। इसलिए दोस्तों, गुरु की आपको जरूरत, गुरु की आपको आवश्यकता। गुरु के बिना कोई ना पहचान पाएगा, और किसी के सामने रोएंगे आप तो लोग आपको सिंपथी देंगे, अफसोस करेंगे, पर आपकी प्रतिभा को नहीं पहचानेंगे, मजाक करेंगे। आज आप साइकिल चला रहे हैं, आप कहेंगे मुझे तो गाड़ी चाहिए, तो लोग हंसेंगे, भैया पागल हो गया तुम। गुरु के पास जाएंगे तो गुरु कहेगा, नहीं बेटा, आपको बहुत जल्दी गाड़ी मिलेगी और अच्छी गाड़ी मिलेगी, तो ऐसा काम कर। गुरु आपके गुणों को निखार देता है, गुरु आपके गुणों को बाहर लाता है, और आप कष्टों में आपकी मदद करना, जा दुख में आपकी मदद करना, तंत्र की पहली ड्यूटी। और कहीं ना कहीं जो आपने कहा स्वामी जी कि व्हाट वी डिज़ायर मे नॉट बी व्हाट वी डिज़र्व, जो हम चाहते हैं हमें मिलना शायद उससे बहुत ऊंचा होता है, और हमारी चाहत बहुत छोटी हो जाती है। तो जो ये विद्या है और गुरु का साथ, शायद जो हमें मिलना है वो इतना ऊपर है, और हम जो रो रहे हैं, जो हम दुखी हैं, परेशान हैं, वो बहुत छोटा है। तो ये क्योंकि हम वो बहुत छोटे फोकस में देख रहे होते हैं, हमारा विस्तार नहीं हो पाया होता दृष्टि का। तो ये बहुत सुंदर बात आज हमें गुरु की जो पूरी महत्ता हमारे सामने आई, और एक बहुत ऐसा लगा, एक बहुत भार हमारे सर से उतरा कि कोई है जिसके एक उंगली पकड़कर हम अपना रास्ता तय कर सकते हैं, सारा अपना भार हम उसके सामने रख सकते हैं, सारी अपने दिल की बात रख सकते हैं।